धर्म और जाति के नाम पर हिंसा हमारे देश में आम बात है। धर्म और जाति के ठेकेदार अक्सर सोशल मीडिया के पोस्ट या फिर मैसेज के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, पर इस बार सोशल मीडिया के जरिए इन धर्म और जाति के ठेकेदारों को एक कड़ा संदेश मिला है। फैशन डीवा उर्फी जावेद ने धर्म के नाम पर हिंसा करने वाले को संदेश दिया है। उर्फी ने अपने इंस्टा स्टोरी पर लिखा कि अगर आप हिंदू होकर हिंदू से नफरत करते हैं तो मैं एक हिंदू हूँ, अगर आप मुस्लिम से मुस्लिम होने के चलते नफरत करते हैं तो मैं एक मुस्लिम हूँ, अगर आप लोगों को उनके जन्म के आधार पर नीची जाति के रूप में पहचान देते हैं तो मैं एक दलित हूँ, मैं वो इंसान हूँ जिससे आप नफरत करते हैं, मेरा अस्तित्व रहेगा, मैं हमेशा रहूँगी। मन की शांति के लिए आपको खुद ही बदलना पड़ेगा। मैं जो हूँ वही हूँ और आगे भी वही रहूँगी जो होने वाली हूँ। इसके साथ सुकून से रहें या फिर अपनी ही नफरत की आग में घुटते रहें, मैं यही रहूँगी। दरअसल हाल ही में उर्फी के हाथ में गीता और जावेद अख्तर के नाम का टी शर्ट पहने एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। अभी उनकी ये तस्वीर लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि उर्फी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज धर्म के नाम पर हिंसा करने वालों को दे दिया। और ये कोई पहली घटना नहीं है जब उर्फी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में है। इसके पहले भी कई बार उर्फी अपने बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए चर्चा में रही हैं। उर्फी ने इंटरव्यू में कहा था, मैं कभी भी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करूंगी, मैं इस्लाम में यकीन नहीं रखती हूं और मैं कोई भी धर्म फॉलो नहीं करती हूं। इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि मैं किससे प्यार करती हूं। हमें उसी से शादी करनी चाहिए जो हमें पसंद हो। आए दिन अपने कपड़ों को लेकर ट्रोल होने वाली उर्फी ने यह भी कहा कि बोल्ड लुक के लिए उन्हें इसलिए ट्रोल किया जाता है क्योंकि इंडस्ट्री में उनका कोई गॉड फादर नहीं है और इसके पीछे उनका मुस्लिम होना भी एक वजह है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन वॉइस, साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।